ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का लुक है जो ट्रेलर है, अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं। दशहरे पे मोस्टली होता है यहाँ पे। अगर मैं मेले की बात करूँ तो ये एक महीने का मेला यहाँ पे लगता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का लुक है जो ट्रेलर है, अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं। एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे मेला है, बहुत ही ज्यादा बड़े स्पेस में है। मैं अंदर चलूंगी आपको दिखाऊंगी, पहले उसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पार्किंग एरिया और वो जो आपको पीछे दिख रहा है वो वहाँ पे रावण दहन की तैयारी हो रही है। आज नहीं है क्योंकि आज नवमी है, कल है रावण दहन, तो कल वहाँ पे रावण दहन होने वाला है। तो अभी फिलहाल हम मेले में आए हैं तो मैं आपको मेला दिखाती हूँ। जैसे वो सारे वहाँ पे खड़े हैं वैसे वो देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं और ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, यहाँ पे हर तरह की राइड्स अवेलेबल है, छोटे से लेके बड़े हर एक तरह का, क्योंकि ये यहाँ का बहुत मशहूर मेला है। ये जमालपुर का बहुत ही ज़्यादा मशहूर मेला है, इसीलिए यहाँ पे आपको हर तरह की राइड्स और इतनी भीड़ है। आज तो फिर भी ये इस तरह का भीड़ है, कल है रावण दहन और कल ऑफकोर्स दशहरा है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि तब तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, तो इसीलिए हम आज ही आ रहे हैं।
सारे राइड्स को देखने के बाद, इंजॉय करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए इस सेल्फी पॉइंट को एक्सप्लोर करने जो कि कोका कोला का था। यहाँ पे आकर हमने जैसे कि देखा कि बाकी लोग भी ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, स्टेज बना हुआ है, तो हमने भी इसका फ़ायदा उठाया और करने लगे थोड़ी बहुत फोटोशूट्स। जब हम बच्चे होते हैं और जब हम मेला देखने आते हैं इस तरीके से, तो हमारी छोटी छोटी आंखें ऐसे चौंधिया जाती हैं इतनी सारी लाइट्स को देखकर और इतने सारे ऑप्शंस को देखकर कि आज तो हम सारे राइड्स और सारा कुछ खेल कर जाएंगे यहाँ से। एकदम ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हों। अच्छा, मेले में ये आवाज़ें सुन रहे हो आप? जब तक मेले में ऐसी आवाज़ें ना आए पू पा, तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेले में आ चुके हो, क्योंकि ये इसके बिना तो मेला अधूरा ही है। जो अननेसेसरी आपको यहाँ आवाज़ सुनने मिलती है, इतने लोगों की भीड़ में ये आवाज़ ही तो है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती है और सबको ये याद दिलाती रहती है कि स्वागत है आपका मेले में। चलिए करते हैं बचपन की यादों को ताज़ा इस फन गेम के साथ। देख रहे हो आप, बचपन में इन राइड्स पर बैठने का बहुत मन होता था। ऐसा होता था कि इतने बड़े से बड़े राइड्स मिल जाए हम तो कर लेंगे भाई, पर अब जब हम बड़े हो गए हैं तो इन राइड्स पर जाने से ही डर लगता है। और फिर डरते डरते मैंने इस राइड पर जाने का सोचा, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? इनका चिल्लाना सुना आपने?
पर कैमल राइड जरूर कर सकते हैं, पर अभी नहीं, अगली बार। देख रहे हो ये सारी क्यों उसी बड़े बड़े राइड्स के लिए है जिस पर हम जाते जाते नहीं गए, मतलब मैं। तो यहाँ हमारा मेला दर्शन होता है कंप्लीट और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ जाए, मेले में आए और चाट और टिक्की ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए गाइस आपको वो भी दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग स्टॉल्स थे पानी पूरी और चाट के। दैट आल्सो आई शो यू। ये सब चला जाएगा आपके शहर नगरी में, यादें छोड़ जाएगा। यहाँ पे हम खाते पीते बाहर की तरफ आ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मेरी वीडियो को देखते हुए, इसका मतलब है कि आपको मज़ा आ रहा है। तो उसी के साथ साथ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, क्योंकि ये फ्री है।
इवनिंग वेल स्पेंड गाइस, इसी के साथ साथ हमारा दिन आज का होता है समाप्त और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए हम करते हैं टाटा बाय बाय। बाहर से भी लुक देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, रौनक वैसी ही लगी हुई है, लोग अभी भी वहीं पर हैं, पर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। अब मिलते हैं आपको अगले सफ़र में।